Okay, guys, let me tell you, if you are a fan of Commando franchise, this movie is better than Commando 2. That's for sure. Yeah, that's for sure. Let's talk about it. देखो जी, एक बात करूंगा, दिल की बात कहना चाहूंगा, सुन तो ले। ये भाई बहुत underrated है यार, इसको जो deserve करता हूँ मिला चल बात होती है। नहीं, सच बता रहा हूँ। If you say he's one of the most underrated actor, you will say he's not an actor. So many people say this. He's not an actor. He can do actions. That's all. But ये टाइगर नहीं, इसको कौन सी एक्टिंग आती है? अबे इसको कौन सी एक्टिंग आती है? फिर भी 100 करोड़ की मूवी दे रहा है ना। अभी ऋतिक के साथ 300 करोड़ की मूवी थी, तो इस भाई की क्या गलती है? पैंचोद का है विकास? अरे माधवचोद विकास। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कमांडो 3। द डायरेक्टर इज आदित्य दत्त। आदित्य दत्त लास्ट मूवी वॉज टेबल नंबर 21, विच इज एक्चुअली अ गुड मूवी, पीपल अप्रिशिएट इट। या That's true. अरे पर इस पिक्चर में स्क्रीन पे टेबल में नहीं, टॉयलेट में बैठ के लिखा है। पता नहीं कहाँ 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 चली जाती है पिक्चर, भैंजोत को समझ में नहीं आता कभी कभी। There will be a civil war. You know the problem with Vidhu Jamwal movie is that they plan action scenes before the movie, so they have to insert that action scene. In that process, they play with the story. Are you getting what I'm saying? इस बार मातम इंडिया नहीं, कोई और मनाएगा। कहानी में एक्शन घुसाओ, एक्शन में कहानी मत घुसाओ, यही तो मात खा जाता है। चल बात होती है। If you are a fan of Commando franchise, you know that Commando 2 was directed by Deven Bhojani. और Deven Bhojani ये मतलब टैलेंट देखो, आजकल भाकरवाड़ी कर रहे हैं ये। No, I'm not making fun of him. I'm actually a fan of him. But see the versatility of a guy. I mean, a great comedian and एक्शन फिल्म डायरेक्टर। चलो आ जाओ वापस कमांडो 3 पे बात करते हैं। भाई देशभक्त है, हर पिक्चर में होता है, फिर कोई एक विलन होता है, ये उसको चेस करता है और कुछ ट्रिक्स एंड ट्रिप्स यही सब चलता है पिक्चर में। दो लड़कियां, मोदी है तो मुमकिन। अदा शर्मा, शी डिड अ गुड एक्शन इन द मूवी। तुम्हारी टीम में इंडिया से होंगी भावना रेड्डी। ये बंदी भी कितनी वर्सेटाइल है, इस मूवी में थोड़ी फनी है, एक्शन भी किया, भूतनी तक बन गई। पर किस्मत यार, किस्मत हो डू तो क्या करे पांडू। If you talk about the background score, it's really good. मेरा कहने का मतलब है, म्यूजिक दो तरह का होता है, एक पिक्चर के ऊपर बहुत बन जाता है और दूसरा पिक्चर को साथ लेके चलता है, यहाँ पे दूसरी तरह का है। And that villain, Gulshan Devoiya, did a fair job in the movie. 3 घंटों में मैं यहाँ से निकलूंगा सही सलामत। बुरा कंसा ही नाम है, क्रिस्टन टॉल्स है, अच्छे फाइटिंग सीक्वेंस है, मजा आएगा, देख लो जाके। और अगर विद्युत जम्वाल के फैन और कमांडो सीरीज को फॉलो करते हो तो चले जाओ, अच्छी पिक्चर लगेगी वैसे तो। पर यार वो क्या है कि हॉलीवुड इतनी देख रखी है ना, तो थोड़ा टच नहीं हो पाता। चल बैठ चुकी है।